इस कार्यक्रम के पुण्याचक हैं श्री उत्तम चंद्र जी, सुलोचना जी सराफ, श्री शैलेंद्र अमिता सराफ, श्री सत्येंद्र सची सराफ, श्री मनीष वर्षा सराफ, अनुष्का ओशी, सात्विक निष्ठा, आर्जव भव्य एवं समस्त सराफ परिवार बेगमगंज। जय जिनेंद्र। दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं वर्षा योग 2022 के मध्य परवादीराज दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर आयोजित 19वें संस्कार शिविर के 8वें दिन उत्तम त्याग धर्म दिवस की मंगलकारी झलकियां। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश की पावन भूमि बेगमगंज के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर स्थित आचार्य श्री विद्यासागर सभागार में 31 अगस्त से 9 सितंबर के बीच आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 10 दिवसीय शिविर में 7 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य की ऐतिहासिक नगरी बेगमगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर के आचार्य श्री विद्यासागर जी सभागार में निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 31 अगस्त से 9 सितंबर के बीच 19वां संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। 7 सितंबर को उत्तम तप धर्म दिवस पर प्रातः बेला में सर्वप्रथम श्री जी का अभिषेक किया गया। ओ दिया चीर सागन ने जलबो मनो है, कल स्थितन गहरे हैं मानो सरोवर। मधुर ताल वीणा में, मधुर ताल वीणा में मगन हो रहा है, सुमेरु पे जीवर का नवन हो रहा है, सुमेरु पे जीवर का नवन हो रहा है। जिसे देख कर मन, जिसे देख कर मन मगन हो रहा। अभिषेक के बाद मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली श्रावकों ने तीन लोक के नाथ की शांति धारा कर अपने पुण्य प्रताप में वृद्धि की। शांति नाथाय, शांति कराये, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोग अप्रत्यु विनाशनाय, सर्व परिकर छद्म पद्म विनाशनाय, सर्व शाम डामर विघ्न विनाशनाय, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रौं ह्रा अशी अवसा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं चै क्रो क्रो ओम ह्रौं ह्रूं फट कृतिं कृतिं घाताय घाताय परविघ्नाय स्फोटाय स्फोटाय सत्कर्णान कुरु कुरु पन्मन्दां छिन् छिन्दय पन्मन्दां भिन्दि भिन्दि छां छा वह वह ह्रौं पट सर्व शांतिं क्रो क्रो ओम ह्रीं श्लीं क्लीं अहम अशी अवसा अनाथ विद्याय नमोरन्तालं ह्रौं सर्व विघ्न सर्व शांतिं ओम आह्राम से ह्रीं आहुरूं ओह्रौ सहरा जगदत्तपनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम श्री शांतिनाथाय अशोकतरु सत्प्रयातिहारी मंडिताय अशोकतरु सत्प्रयातिहारी शोभन पत्पदाय हमलर व्यूम विजात पद्दौ शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम शांतिनाथाय सुरपुष्पयति सत्प्रयातिहारी मंडिताय सुरपुष्पयति सत्प्रयातिहारी शोभन पत्पदाय भमलर व्यूम विजाय पद्दौ शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रयातिहारी मंडिताय दिव्यध्वनि सत्प्रयातिहारी शोभन पत्पदाय ममलर व्यूम विजाय पद्दौ शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम श्री शांतिनाथाय ताम्रोज्जल सत्प्रातिहारी मंडिताय ताम्रोज्जल सत्प्रातिहारी शोभन पत्पदाय रमलर भीम विजय पद्दव शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु शांतिनाथाय दुंदुवि सत्प्रातिहारी मंडिताय दुंदुवि सत्प्रातिहारी शोभन पत्पदाय झमलर भीम विजय पद्दव शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु शांतिनाथाय सत्तर सत्प्रातिहारी मंडिताय सत्तर सत्प्रातिहारी शोभन पत्पदाय ईश्वर भीम विजय पद्दव शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहारी मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहारी शोभन पत्पदाय हमलर भीम विजय पद्दव शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम श्री शांतिनाथाय प्रातिहारी अष्टसहिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्व विघ्न सर्व शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम श्री भूतानागत वर्तमान समय तेभ्यो जनेभ्यो नमः ओम श्री भूतानागत वर्तमान समय तेभ्यो जनेभ्यो नमः ओम श्री भूतानागत वर्तमान समय तेभ्यो जनेभ्यो नमः ओम श्री निर्वाण सागर शांतिनाथ भवन भूतकालिक विश्वंका जिंदाय नमोस्तु नमोस्तु रक्षा जिंदाय नमो नमः। शांति धारा के उपरांत गुरुवर ने भक्तों को गंधोदक वितरित किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने प्रभु की आरती उतारी। जिसमें पड़ी जागे भाग दया की दृष्टि, जिन पे पड़ी ऐसे कलशों से जल भर।
जयकार है, तेरी जय जयकार है। मैं आया तेरे द्वार रे, आया तेरे द्वार रे, मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार रे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विधानाचार्य जी के निर्देशन एवं भक्ति संगीत के वातावरण में श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर को अर्घ्य समर्पित किए। हरिहण पुराण पुर सुत में पाव नामी वस्तु नयो नमक लाने में मग्रे परिपुष्पाञ्जलि चिपम हे श्री विश्वभुवन स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता सिद्धि संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री पुष्प दत्ता स्वस्ति स्वस्ति श्री सीते पूजा अर्घ्य समर्पण के बाद विशिष्ट जनों ने मुनिश्री का पाद प्रक्षालन किया तो वहीं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवरों को शास्त्र आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब समय था गुरुवरों के प्रवचन का। परम पूज्य एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज ने उत्तम त्याग धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं को कुछ इस तरह समझाया। जैन भगवान के मंदिर की वेदी में जैन भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, दान देते हैं, जाप करते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं और समय पर जैन भगवान का मंजन करते हैं। मंजन क्यों किया जाता है? इसलिए कि भगवान आपके बिंब में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन बिंब की सुरक्षा निमित्तार्थ, रक्षा निमित्तार्थ सब लोगों की दृष्टि में आ जाए कि हमारे भगवान ये हैं, मूल आराध्य परमात्मा हमारे ये हैं। क्योंकि सदैया लोगों को सबको मालूम है कि हमारे भगवान ये हैं, हमारे बड़े मंदिर में 5 वेदियाँ हैं, छोटे मंदिर में 4 वेदियाँ हैं, सब मिला के 9 वेदियाँ हैं। तो जो सदैया लोगों को सबको मालूम है, लेकिन जो भदैया लोग आए हैं उन्हें भी तो मालूम हो जाए कि हमारे भगवान की 9 वेदियाँ हैं और हम सभी 9 देवता की आराधना करने के लिए सब मिलकर के यहाँ पर आए हैं। और उसमें भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो दशलक्षण में भी नहीं आते हैं, तो फिर वो घर में किसी का अवसान हो जाता है तो 5 पंचों को लेकर के आते हैं कि चलो भैया मरैया कोई का खत्म हो गए हैं, मरण को प्राप्त हो गए हैं, तो चलो 5 पंच आपको लेकर के चलते हैं, क्योंकि आप कुल जाति धर्म से जैन हैं। उज्ज्वल आचार्य नेमिचंदी स्वामी महाराज द्रव संग्रह में कहते हैं, जीवादि 6 द्रव्यों के ऊपर श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। जीवादि 6 द्रव्यों का अर्थ है दुनिया को जानो और जैसी दुनिया है उस पर श्रद्धान करो, वो जीवादि 6 द्रव्यों का स्वरूप है। जब सारी दुनिया पर तुम्हारा विश्वास हो जाएगा, 6 द्रव्यों पर तुम्हारा विश्वास हो जाएगा, तुम्हारी अगाध श्रद्धा हो जाएगी, तो जो सृष्टि है उसे छोड़ दे। कब छोड़ना है? जब उस श्रद्धान हो जाए तुम्हारे लिए 6 द्रव्यों पर, तुमको उस पर अगाध श्रद्धा हो जाए, श्रद्धा जम जाए, तो फिर पूज्यवर कहते हैं
कि जब जानने के बाद उस सृष्टि को तुम छोड़ दो, आत्म रूप सृष्टि है, और उस पर दृष्टि जमा लें, पहले सबको जानो, पहले सबको पहचानो, उसके बाद उसका त्याग करो। हम लोग क्या करते हैं, जिस वस्तु को जानते नहीं हैं पहले उसका त्याग करते हैं, लेकिन पूज्यवर आचार्य महाराज कहते हैं कि नहीं, पहले तुम संसार को जानो, जब तक तुम संसार को नहीं जानोगे तब तक तुम संसार को नहीं छोड़ सकते। मुनि महाराज के लिए उपदेश दिया है, कहते हैं दीक्षा जो होती है संसार से दुखों से ऊपर नहीं ले जाती, दीक्षा ली जाती है संसार के सुखों को छोड़कर दीक्षा ले जाती है। पहले संसार में जितने सुख हैं पहले उनको जानो, और जब संसार के सुख तुम्हारे लिए जानने में आ जाएंगे तो संसार से तुमको अपने आप विरक्ति हो जाएगी। प्रवचनों के पश्चात गुरुवर के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने मंडल जी पर अर्घ्य एवं श्रीफल अर्पित करते हुए पूजन वंदन किया। श्री जिन वर के चरण कमल ही जगत पूज हर लेते दो, भव सागर में डूबे जल को तपद ही ब्रह्मंग जहाज, भक्ति भाव से अभिवंदन है स्वरूप। श्री महाबीज अक्षर सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपाम ते। स्वयं सुर गुरु गरिमाम्बुराशे स्तुतं सुविस्तृत मतिर्नमि भूमि धातुं तिथेश्वरस्य कमलस्मय धूमकेतो तस्य अनन्तरो तिथेश्वर श्री पार्श्व प्रभु की गरिमा समना दुजारो। पूजन वंदन के दौरान संगीत बद्ध भजनों की ऐसी पवन बही कि प्रत्येक श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन हो गए। पूजन वंदन के बाद जैन उपासकों ने मंगल दीपों से गुरुवर की आरती उतारी। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता, मन पावन हो जाता। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मुनि श्री ने श्रावक श्रेष्ठियों की शंकाओं का समाधान कर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। गुरुदेव, मैं सिंचाई विभाग में इंजीनियर हूँ और मुझे इधर उधर घूमना पड़ता है, ऐसे एक प्रसंग में सत्य बोले तो हिंसा का दोष लगता है और असत्य बोले तो झूठ बोलने का दोष लगता है, ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सर्विस क्लास व्यक्ति के सामने बड़ी दुविधा होती है, क्योंकि एक तरह से वो अधिकारी ही है और अधिकारी के ऊपर भी बहुत से अधिकारी रहते हैं। कभी कभी सत्य बोले तो बहुत सारी बातों का समर्थन करना पड़ता है और झूठ बोले तो हिंसा आदि का दोष लगता है। दोष ना लगे, झूठ ना बोलना पड़े और सत्य का पालन हो। सत्य बोल दिया
तो दोषों का समर्थन होगा, झूठ बोलेंगे तो भी दोष का समर्थन होता है, तो करें क्या? प्रश्न तो ठीक है ना, पढ़े लिखे व्यक्ति ने प्रश्न ठीक किया है, दुविधाएं आती हैं। अब क्या करें? तो देखो यह है कि अपने अधिकार क्षेत्र में हम जितना अच्छा काम कर सकते हैं उतना करें, और जो मजबूरियां होती हैं तो आपका भाव वह कार्य करने का नहीं रहता है, लेकिन प्लान बनकर के आया है, ऊपर से आया है, फॉलो करना है, आगे बढ़ाना है, तो बहुत सारी बातें जुड़ती हैं हिंसा आदि की। बोलने संबंधी दोषों से बचने के लिए सत्य बोलो तो भी दोष लग रहा, झूठ बोलो तो भी दोष लग रहा, तो मौन धारण करना बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन जिस परिस्थिति में सर्विस में आप रहे हो या हो, तो वहाँ पर यह संभव नहीं होता है, तो यथा योग रास्ता निकाल करके अपना काम करें। शंका समाधान के बाद गुरुवर ने श्रद्धालुओं से धार्मिक प्रश्न पूछे और सही उत्तर देने वाले श्रावक श्रेष्ठियों एवं बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। आचार्य शांति सागर जी महाराज से लेकर गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज तक के मध्य के आचार्यों का क्रम बताइए। शांति सागर से लेकर आचार्य श्री तक के आचार्यों का क्रम आपको बताना, क्रम से बताना है। नाम शिव सागर और ज्ञान सागर और आचार्य विद्यासागर। जोरदार तालियां बजाओ, अपना पुरस्कार ले जाएं। इस भव्य कार्यक्रम की रात्रि बेला में आरती के दौरान भजनों की गंगा में झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियां स्वयं को धन्य कर रहे थे। आचार्य स्वर्ण जयंती पसरने में लिखा इतिहास, आचार्य स्वर्ण जयंती पसरने में लिखा इतिहास। तेरे आरती हम सब उतारे तेरे आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरे आरती हो मुनिवर, हम सब उतारे तेरे आरती। मल्लप्पा श्रीमंत पुत्र जगतारे, पूज्य मात पिता मल्लप्पा श्रीमंत पुत्र जगतारे, जन्म सद लगा सरत पुरा मुनि विद्यासागर। दर्शकों, आज आपने दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर आयोजित 19वें संस्कार शिविर के 8वें दिन आयोजित उत्तम तप धर्म दिवस की भक्ति ज्ञान से ओतप्रोत झलकियों को निहारा। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य की धर्मधरा बेगमगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार में 31 अगस्त से 9 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की प्रमुख बात ये रही कि इसमें श्रद्धालुओं को परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ससंग का सानिध्य प्राप्त हुआ। इसी के साथ अब दीजिए मुझे आज्ञा, हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के अगले दिन आयोजित प्रेरणादायक दृश्यों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री उत्तम चंद्र जी, सुलोचना जी सराफ, श्री शैलेंद्र अमिता सराफ, श्री सत्येंद्र सची सराफ, श्री मनीष वर्षा सराफ, अनुष्का ओशी, सात्विक निष्ठा, आर्जव भव्य एवं समस्त सराफ परिवार बेगमगंज।